वीवो सिविक 2005। तो भाई भाई का कहना है कि एक से दो पीस टचअप है, बाकी गाड़ी ओरिजिनल है। तो भाई देख के भी गाड़ी अच्छी कंडीशन लग रही है, तो ओरिजिनल लुक भी है। चेक कर लेते हैं कितने परसेंट ओरिजिनल। तो आ जाए छत की तरफ चलें, छत से ही ले लेते हैं स्टार्ट इसका भी। तो भाई छत चेक करें, छत का लुक चेक कर सकता हूँ। तो ये लुक छत का है, फाइन लुक है। अच्छा जी, अगर बात करते हैं हम जनाब लाइनिंग वगैरह की, तो वो भी ओके लुक में नज़र आ रही है। पिलर चेक किया तो भाई पिलर भी इसका ओके लुक में, तो ओके लुक में पिलर है। स्क्रीन की बात करते हैं तो भाई स्क्रीन इसका ब्रेक नहीं है, लेकिन ये के वाइपर का निशान है। तो ये सिलसिला है ओके, स्क्रीन में मिल रही है आपको, कोई ब्रेकेज नहीं है। बात कर लेते हैं जनाब बोनट बम्पर हेडलाइट फ्रंट जाली की, तो भाई वो भी ओके लुक है गाड़ी अपने सामान के तकरीबन। अच्छा जी, चेक कराते हैं आपको पहले फेंडर का साउंड। तो आ जाए जी, साउंड देखें आप फेंडर का, तो साउंड तो वाकई इसका ओके। अच्छा टायर की बात कर लिया है, तो भाई टायर तकरीबन इसके 90% टायर है। एलॉय रिम पे गाड़ी है, लाइट वेट एलॉय रिम है। टायरों में अभी किसी किस्म का कोई काम नहीं है, ले चलाएं वाली बात। फुटबेरी चेक करें, फुटबेरी का लुक ओके भाई। तो भाई ये चेक करें भाई फ्रंट डोर वगैरह और जनाब बैक डोर वगैरह की कंडीशन सब चेक करते हुए चलते हैं। आपको फेंडर वेंडर चेक करा देते, तो फेंडर का लुक भी इसका फाइन है भाई। तो ये सिलसिला चल रहा है, छत चेक करें, छत का लुक भी इसका ओके। अच्छा स्क्रीन की बात करते हैं, स्क्रीन वगैरह में कोई ब्रेकेज नज़र नहीं आ रही है। लाइट है, बम्पर वगैरह सब बिल्कुल ओके लुक में। तो कोई चीज़ शॉर्ट नहीं है, कोई चीज़ मिसिंग नहीं है बॉडी वाइज। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं साइड से फेंडर की, तो फेंडर का लुक भी इसका यहाँ का भी ओके। अच्छा जी, एलॉय रिम वगैरह मैंने आपको दिखाई दिए हैं। ये फेंडर चेक करके जब आप फुटबेरी चेक कराते हैं, तो फुटबेरी का लुक भी इसका तकरीबन फाइन नज़र आ रहा है। ये लुक है भाई। अच्छा बैक डोर फ्रंट डोर सब चेक कराते हैं, तो भाई बैक डोर फ्रंट डोर पिलर विलर चेक करते हुए चलते हैं। तो पिलर की कंडीशन भी इसकी ओके ही नज़र आ रही है। यहाँ से फेंडर की बात करते हैं, वो भी ओके भाई। तो अंदर से चेक करते हैं गाड़ी क्या कंडीशन गाड़ी की है, सब चेक करते हैं। तो भाई डोरियाँ वोरियाँ चेक करते हैं, तो डोरियाँ भी तकरीबन इसकी ओके लुक में नज़र आ रही है। अच्छा दरवाज़ों के पर्दे डोर पैनल वगैरह सब बिल्कुल ओके लुक में। तो किसी किस्म का फिलहाल बॉडी वाइज काम अभी तक ऐसा कोई खास नज़र नहीं आया। तो ये चेक करें डोर, डोर का लुक ओके। अच्छा अब हम बात करते हैं स्टीयरिंग व्हील, तो स्टीयरिंग व्हील का लुक फाइन। डैशबोर्ड चेक कर लेते हैं, तो भाई डैशबोर्ड चेक करें, ये देखें तो डैशबोर्ड का लुक ये है भाई। तो भाई फीचर्स इसके सारे ऑन है, डिटेल ले ली हमने। अच्छा जी ये चेक करें भाई, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में। सीटों की बात करें तो सीटों पे कवर चढ़ा हुआ है, ओरिजिनल सीट्स नीचे हैं इसकी। अच्छा अब हम बात करते हैं जनाब ये देखें, तो मैटिंग हो गई, डोर पिलर छत छत वत का लुक भी इसका फाइन नज़र आ रहा है मुझे। पिछला डोर खोल लेते हैं, तो भाई यहाँ से चेक करते हुए चलते हैं। देखें डोरियाँ वोरियाँ ओके लुक में, डोर पैनल वगैरह ये भी ओके हैं इसके। अच्छा अब आपको चेक कराते हैं जनाब पिलर पिछला, ये भी ओके लुक है, गोले वोले झड़पे। तो जनाब ये चेक करें आप, मैटिंग हुई हुई है। अच्छा बैक पोर्शन देख ले भाई, तो बैक पोर्शन वगैरह का लुक ये। सीटों की बात करते हैं, हेडरेस्ट हैंडरेस्ट वगैरह सब तकरीबन ओके लुक में इसके। सीट बेल्ट भी ओके नज़र आ रही है भाई इसकी। डोर फ्रंट डोर ये हो गया, डैशबोर्ड का लुक। चलते हैं इंजन रूम की तरफ, इंजन रूम से चेक करते हैं गाड़ी क्या कह रही है। यार ये चेक करें यहाँ से डोरियों वगैरह की कंडीशन, तो डोरियों वगैरह की कंडीशन भी इसकी फाइन नज़र आ रही है। यहाँ से जनाब चेक कर लेते हैं जनाब माउंटेन के जॉइंट वगैरह, तो वो भी ओके लुक हैं। तो ये देखिए भाई पंचेस वगैरह भी ओके लुक में इसके नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ से बात कर लेते हैं भाई, ये देखिए फ्रंट पट्टी की, फ्रंट पट्टी की कंडीशन भी ओके भाई। इस साइड से चेक करें डोरियाँ, डोरियों का लुक फाइन। अच्छा माउंटेन वगैरह की कंडीशन इस साइड से चेक करते हैं, तो भाई टिकली तो लगी हुई है सामने। ये देखिए पंचेस वंचेस सब ओके। तो अगर चेसेस बता सके तो भाई वो भी देख लें। तो यहाँ से बात करते हैं ना, इंजन की क्वालिटी की बात करूँगा भाई से, बाकी आपको दिखाते हैं बोनेट वगैरह। तो बोनेट भी तकरीबन इसका अपनी डोरियों पे। तो वीवास हमारे साथ मौजूद है गाड़ी को ना मुनीर भाई। मुनीर भाई सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, क्या कह रही है, कौन सा मॉडल ला रहे हैं आप? ये 2005 मॉडल है। इसका मॉडल है जी, बाहर से ओरिजिनल बता रहे हैं। दो एक पीस है, एक दो पीस है। कौन कौन से कोई आइडिया है आपको? एक वो पीछे वाला फेंटर है, ठीक है, और नीचे से कोई दरवाजा होती है जी। वो ड्राइविंग साइड की है, खाली साइड की है? खाली साइड, खाली साइड, दोनों चीजें खाली साइड की। हाँ ठीक है भाई। अच्छा तो क्या कीमत रखा है इसकी? 14 लाख रुपए। कितने? 14 लाख। 14 लाख रुपए। क्लियर है? सीपीएससी हर चीज से क्लियर है। सब क्लियर मिलेगी? क्लियर मिलेगी। एसी वेसी चल रहा है? हर चीज चल रहा है। अच्छा एसी चल रहा है, सिस्टम चल रहा है, साउंड सिस्टम वगैरह। तो कीमत में क्या डिस्काउंट करेंगे हमारी बस को? कीमत में आ जाएगी ये 13,75,000। 13,75,000 हमने कितनी बोली थी अभी? 14 लाख रुपए। 14 लाख, 13,75,000, 25,000 रुपए का। कुछ और करना चाहेंगे? बस टोकन लेके आएंगे, हो जाएगा डिस्काउंट? हाँ हो जाएगा। तो भाई टोकन लेके आए भाई, डिस्काउंट के मूड में ऐसे ही है ना मेरे भाई जी। अच्छा लोकेशन क्या है, कहाँ गाड़ी मिलेगी, मोबाइल नंबर? ये आयशा मंजिल। आयशा मंजिल, मोबाइल नंबर बताइए। 03403467736। ठीक है भाई, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ कराची ब्लॉगर से काशिफ अंसारी। तो भाई पहुँच जाऊँ कराची कार संडे बाजार, और भाई गाड़ियाँ ढूंढ रहा हूँ।
तो काफ़ी टाइम से गाड़ियाँ ढूंढ रहा हूँ, कुछ गाड़ियाँ मुझे मिल गई हैं, तो तैयारी चल रही है अच्छी अच्छी गाड़ियाँ ढूंढने की, क्योंकि भाई वो गाड़ियाँ दिला दूँ जिनमें रेट्स अच्छे हों और कम से कम आप लोगों को तंग नहीं करें। तो इसी किस्म की तैयारी चल रही है, गाड़ियाँ ढूंढता फिर हूँ। तो भाई शुरू कर लेते हैं वीडियो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा। तो आइए व्यूअर्स वीडियो शुरू करते हैं। व्यूअर्स ऑल्टो 2011 मॉडल, तो भाई बाहर से शावर्ड अंदर से ओरिजिनल। अच्छा भाई सिल्वर कलर में गाड़ी मिली है, तो चेक करते हैं गाड़ी चल के। बोनट इसका खुला हुआ है, चलें जी चेक करते हैं क्या कह रही है गाड़ी की कंडीशन। तो आ जाए पहले स्टार्ट ले लेते हैं छत से, तो छत की कंडीशन चेक करें भाई आप। तो छत भी तकरीबन इसकी ओके कंडीशन में नज़र आ रही है। अच्छा जी लाइनिंग वाइनिंग चेक करें तो वो भी ओके। पिलर की बात कर लेते हैं, तो पिलर की कंडीशन चेक करते हैं भाई, ये चेक करें भाई पिलर, पिलर भी ओके इसका। अच्छा विंड स्क्रीन, कोई ब्रेकेज वगैरह नहीं है, बिल्कुल फाइन तरीके से स्क्रीन गाड़ी का नज़र आ रहा है। अच्छा जी बात करते हैं बोनेट बम्पर हेडलाइट फ्रंट जाली, तो गाड़ी अपने सामान पे है। यहाँ से फेंडर चेक कर लें थोड़ा सा ठोक बजा कर, तो गाड़ी तो भाई ये चेक करें भाई साउंड ये दे रही है। अच्छा गाड़ी बाइक की जो है बाहर से शावर्ड है, अंदर से ओरिजिनल। टायर की बात कर लेते हैं, तो टायर भाई इसके तकरीबन नए टायर हैं, एलॉय रिम पे गाड़ी है, ये चेक करें आप। तो टायर भाई के तकरीबन 95% टायर है, एलॉय रिम जो है लाइट वेट एलॉय रिम है। फुटबेरी चेक कराएं आपको, तो भाई फुटबेरी चेक करते हुए चलते हैं। फुटबेरी की कंडीशन भी तकरीबन ओके, रस्टेड नहीं है मामला। अच्छा भाई तो फ्रंट डोर बैक डोर सब दिखाते हैं आपको। फ्रंट डोर बैक डोर की कंडीशन भी देख लें भाई आप, ओके कंडीशन में बैक डोर। अच्छा जी अब बात आ जाती है जनाब फेंडर की, तो फेंडर भी ओके लुक में इसका। चलें छत चेक करते हैं, छत देखें भाई, तो छत की कंडीशन भी ओके नज़र आ रही है। शाइन वाइन अच्छा है गाड़ी का। अच्छा तो डस्ट भी आ चुकी है। अच्छा स्क्रीन की बात कर लें, स्क्रीन ओके, बम्पर लाइटें वगैरह कोई चीज़ मिसिंग नज़र नहीं आ रही है, सब चीज़ें तकरीबन ओके कंडीशन में इसकी हैं गाड़ी की। तो इस साइड से चेक कर लेते हैं, टायर तो जैसे कि भाई ने बिल्कुल नए डाले हुए हैं। अच्छा जी साइड से चेक कर लेना फेंडर की कंडीशन, तो फेंडर की कंडीशन भी ओके। फुटबेरी का लुक वो भी ओके चल रहा है। अच्छा इस साइड से देखते हैं भाई, डोर वोर डोर भी ओके लुक में इसका, बैक डोर फ्रंट डोर। अच्छा डोर वोर खुला हुआ भाई, ये चेक करें पिलर, इस साइड से फेंडर चेक करें, तो फाइन लुक है। अंदर से भी चेक कराता हूँ गाड़ी आपको। तो यार यहाँ से चेक करें डोरियाँ, तो डोरियाँ भी तकरीबन इसकी ओके कंडीशन में। दरवाज़ों के पर्दे वगैरह ओरिजिनल है। अच्छा अंदर से भाई कहते हैं कि गाड़ी हमारी फुल्ली जेन्यन है, तो भाई ये चेक करें अंदर से फुली जेन्यन, बाहर से शावर्ड। अच्छा आपको चेक कराते जनाब, ये देखें अपना जनाब, ये चेक करें स्टीयरिंग व्हील डैशबोर्ड, तो भाई स्टीयरिंग व्हील डैशबोर्ड का लुक देख लें। डैशबोर्ड एसी वेसी चल रहा है, घरेलू सिस्टम लगा हुआ है, तो भाई वो भी तकरीबन ओके लुक में इसका नज़र आ रहा है। अच्छा ये चेक करें मैटिंग वैटिंग, मैटिंग तो मैटिंग भी ओके लुक में भाई। सीटें देख लें भाई, तो सीटें भी ओके लुक में, कटी पटी सीट्स नहीं है, कवर भाई ने चढ़ाया हुआ है बहरहाल। तो ये देखें भाई फ्रंट डोर पिलर छत, छत का लुक भी इसका फाइन है भाई। चलें जी पिछला डोर भी खोलते हैं इसका, तो भाई पिछला डोर भी खुल गया, यहाँ से भी डोरियाँ वोरियाँ चेक करते हैं। दरवाज़ों के पर्दे वगैरह तकरीबन फाइन लुक में, तो छोटे मोटे काम हैं जैसे दरवाज़ों के हैंडल वगैरह, तो भाई ये तो आम सी बात हो जाती है जब गाड़ी चलती है, तो थोड़ी बहुत इसमें चीज़ें जो हैं वो ब्रेक होती हैं, तो ये सिलसिला चल रहा है भाई। मैटिंग वैटिंग ओके। अच्छा बैक पोर्शन, तो भाई बैक पोर्शन इस लुक में। अच्छा सीटें चेक कर सकते हैं, सीटों का लुक फाइन है। तो भाई बैक डोर फ्रंट डोर डैशबोर्ड का लुक, डैशबोर्ड का लुक फाइन है। चलें जी इंजन रूम की तरफ, इंजन रूम से चेक करते हैं गाड़ी क्या कह रही है। तो भाई पहले तो चेक कर लेते हैं डोरियाँ, डोरियों की कंडीशन चेक कर सकते हैं आप, ओके लुक में तकरीबन इसकी डोरियाँ हैं। अच्छा बात कर लेते हैं जहाँ माउंटेन वगैरह की, तो जॉइंट भी इसके ओके लुक में, ये चेक करें पंचर वगैरह तकरीबन ओके लुक में इसके नज़र आ रहे हैं। फ्रंट पट्टी की बात करें, तो फ्रंट पट्टी कंडीशन भी इसकी ओके। ड्राई बैटरी लगी हुई है, तो भाई सीएनजी किट है, पेट्रोल पे है गाड़ी, डिटेल ले लेते हैं भाइयों से। तो भाई भाई से हमने डिटेल पूछी है, तो सीएनजी पेट्रोल दोनों पे स्टार्ट गाड़ी मिल रही है, ड्राई बैटरी डली हुई है। अच्छा फ्रंट पट्टी की बात कर रहे थे, फ्रंट पट्टी की कंडीशन भी इसकी ओके चल रही है। इस साइड से डोरियाँ चेक करें, साइड से माउंटेन की कंडीशन, माउंटेन के पंचर जॉइंट वॉइंट, तो इस लुक में चेसिस चेक करते हैं, तो चेसिस अगर नज़र आ रहा है तो भाई ये लुक है। ये देखें भाई टिकली नंबर गाटरी कंडीशन, तो इंजन की क्वालिटी की तो बात मैं करूँगा भाई से कि कितना परसेंट इंजन है, बाकी बोनेट देख लें बोनेट इस लुक में। तो व्यूअर्स हमारे साथ मौजूद है सरफराज भाई, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई, लेना आप। अच्छा क्या कह रही है, ऑल्टो ऑल्टो का मॉडल मॉडल बता दे जरा। मॉडल 2011 है, 11 का मॉडल है, बाहर से शावर्ड अंदर से ओरिजिनल। जी जी अंदर से ओरिजिनल, टोटल एसी भी चल रहा है। अभी थोड़ा मसला है गैस की जरूरत है, गैस नीड है। अच्छा एसी में गैस नहीं है। हां गैस नहीं है, गैस डलेगी तो एसी ऑन है, सामान पूरा बिल्कुल ऑन है। ठीक है, टायर वायर नए डले हुए, बिल्कुल नए डले, आपने दिखाया भी है। ठीक है बिल्कुल दिखाया, टायर इनके नए है भाई, लहरी मलर डला हुआ है। तो भाई कीमत क्या रख रहे हैं?
फाइनल 950 है। 950 है। अच्छा टैक्सेस क्लियर है CPLC? वो खुद क्लियर करके देंगे, जितनी क्लियर करके देंगे जो भी होगा क्लियर कर देंगे। ठीक है मेरे भाई। तो भाई मैं चाह रहा हूँ कि कुछ डिस्काउंट हो जाए हमारे व्यूअर्स के लिए, क्या डिस्काउंट करेंगे आप? बस जो भाई रब्ता करेगा 10,000 छोड़ देंगे। 10,000 और कुछ नहीं। तो भाई सरफराज भाई को क्या हमने कन्वेंस और लिया है अपने व्यूअर्स के लिए नया डिस्काउंट, तो भाई क्या क्या तक फाइनल रहेगी ये बताते हैं आप सरफराज भाई। जो भाई रब्ता करेगा 9-20 फाइनल कर देंगे। 9-20 फाइनल रहेगी, सही हो गया भाई, जबरदस्त। लोकेशन कहाँ है, गाड़ी कहाँ पर मिलेगी और नंबर? ये लकी वन के सामने। मोबाइल नंबर? रियाज अटोस। मोबाइल नंबर? 0311-2872-614। ठीक है भाई, अल्लाह हाफिज। व्यूअर्स मेहरान 16 का मॉडल है भाई। अच्छा ड्राइविंग साइड का एक फेंडर टचअप है, बाकी गाड़ी ओरिजिनल है। तो भाई लुक वुक तो प्यारा है, शाइन वाइन प्यारी है, प्यारा है गाड़ी का। भाई ये फेंडर टचअप है, लेकिन चेक ज़रूर करूँगा इसको भी साउंड ना, तो साउंड तो इसका भी ओके भाई। स्लाइडली शावर्ड है जैसे कि भाई ने बताया था, बिल्कुल वैसे ही हमने देखा इसका साउंड। चलो आगे चल के और चेक करते हैं क्या कह रही है कंडीशन। तो आ जाए भाई, ये देखिए छत का लुक देखिए, आज शाइन तो माशाल्लाह, शाइन तो गाड़ी का ऐसा प्यारा है, मज़ा आ जाएगा। देखिए गाड़ी लाइनिंग वाइनिंग देखें सब ओके लुक में। अच्छा बात करते हैं पिलर की, पिलर वगैरह का लुक भी हमारा फाइन है, पिलर का लुक फाइन। अच्छा जी ये देखें स्क्रीन वगैरह, तो स्क्रीन भी क्लियर है, साफ सुथरा स्क्रीन, किसी किस्म का कोई स्क्रैच वगैरह नहीं है, ब्रेकेज नहीं है। तो भाई स्क्रीन ओके लुक में। अच्छा बात करते हैं जनाब हम बोनेट बम्पर हेडलाइट फ्रंट डाली तो बिल्कुल ओके। गाड़ी ले और चलाएँ वाली बात है यार, कोई काम माशाल्लाह गाड़ी में ऐसा लगता नहीं है, गाड़ी में कोई काम नज़र आ रहा है। तो यहाँ का फेंडर देख लें। अच्छा अब टायर की बात करें तो भाई टायर तो बिल्कुल गाड़ी के चारों टायर ओके हैं, आप समझे 100%, मैं 95% काउंट करता हूँ, तो ये सिलसिला है भाई। अच्छा डोर वोर ओके, तो भाई फुटबेरी वगैरह चेक कर सकते हैं, रस नहीं है, फ्रंट डोर खुला हुआ है तो ओके लुक में गाड़ी नज़र आई है। ये चेक करें यहाँ से बैक डोर वगैरह, वो भी ओके, फेंडर का लुक वो भी फाइन है भाई। तो ये देख लें आप। तो भाई बात कर लेते हैं हम छत की, छत का शाइन वाइन तो ऐसा ज़बरदस्त है, पूरी गाड़ी का शाइन माशाल्लाह बड़ा प्यारा है। अच्छा अब हम बात कर रहे थे स्क्रीन की, लाइटों की, बम्पर की, किसी किस्म का कोई काम नज़र नहीं आ रहा है मुझे, और अगर होगा तो भाई वो भी कोशिश करेंगे कि वो भी आपको दिखाएं। ये चेक करें, ये चेक करें भाई बैक फेंडर वगैरह, फुट बैरी का लुक वो भी फाइन है। बैक डोर चेक करें यार, बैक डोर वगैरह, फ्रंट डोर। अच्छा अब हम बात करते हैं पिलर की, पिलर वगैरह का लुक फाइन है। ये चेक करें फेंडर का लुक ओके, अंदर से दिखाता हूँ गाड़ी, अंदर से भी चेक करते हैं यार। डोरियाँ वोरियाँ देखिए मज़ा आएगा, गाड़ी की कंडीशन, पंचेज वंचेज सब ओके नज़र आ रहे हैं, डोर पैनल वगैरह वो भी बिल्कुल ओके लुक में। अच्छा भाई यहाँ से पंच देखें, मेरे कहने की ज़रूरत ही नहीं है। पिलर चेक करें, पिलर का लुक फाइन। अच्छा भाई पिलर का लुक फाइन हो गया, स्टेयरिंग व्हील ओके लुक में, डैशबोर्ड का लुक देखें तो डैशबोर्ड का लुक भी प्यारा है, तो फाइन लुक में डैशबोर्ड है। तो भाई एसी वेसी चल रहा है, जो साउंड सिस्टम वगैरह लगा हुआ है छोटा मोटा वो भी चल रहा है। अच्छा सीटें चेक करें तो सीटों का लुक भी बिल्कुल फाइन है, कहीं कटी पटी सीट्स नहीं है, ओके लुक में सीट्स हैं, अच्छी कंडीशन में सीट्स, मैटिंग वैटिंग चेक करें, डोर पिलर छत, तो भाई छत वत का लुक भी फाइन है इसका। अच्छा बैक डोर खोल लेते हैं, तो भाई डोरियाँ वोरियाँ चेक करें, डोरियाँ का लुक फाइन, दरवाजे प्यारा लुक, यहाँ से चेक करें बैक पिलर, ये जनाब गोले वगैरह। अच्छा यहाँ से चेक करें मैटिंग, तो मैटिंग ओके लुक में, सीटें फाइन लुक में, बैक सीट ये चेक करें। अच्छा बैक डोर फ्रंट डोर डैशबोर्ड का लुक फाइन है, चलें इंजन रूम की तरफ यार। ये देखें भाई डोरियाँ वोरियाँ, तो डोरियों की कंडीशन माशाल्लाह इसके ओके नज़र आ रही है। यहाँ से बात कर लेते हैं जहाँ माउंटेन वगैरह के, ये देखिए जॉइंट वॉइंट की, पंचेस की, तो ओके लुक नज़र आ रही है। अच्छा तो ड्राई बैटरी लगी हुई है फाइन लुक में, ड्राई बैटरी ये चेक करें। अच्छा इसके बाद चेक कर लेते हैं यहाँ फ्रंट पट्टी की कंडीशन, तो वो भी ओके लुक में, कॉशन सिर्फ सब लगी हुई है। यहाँ से चेक करते हैं जनाब डोरियाँ वगैरह, माउंटेन की कंडीशन, माउंटेन के जॉइंट वॉइंट, तो वो भी ओके। यहाँ से अगर चेसिस नज़र आ रहा है तो भाई वो भी देख लें, चेसिस का लुक ये चल रहा है। अच्छा अब हम बात करते हैं भाई, ये देखें इंजन रूम की, तो इंजन रूम वगैरह की कंडीशन भी बिल्कुल ओके चल रही है। तो बाकी ये देखें कितना परसेंट इंजन है, वो डिटेल लेंगे भाई से। तो अपनी डोरियों पर बोनेट है, मिल लेते हैं भाई से। तो व्यूअर्स हमारे साथ मौजूद है सरदार भाई, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम काशिफ साहब, क्या हाल है? जी जी ये 2016 की लाए, फर्स्ट ओनर है, टोटल जेनिक फेंडर माइनर टचअप है। फेंडर मैंने दिखा दिया, बिल्कुल सही है। अच्छा अब ये बता दें कागजात क्लियर, CPLC टैक्स? भाई ये फर्स्ट ओनर है, 46 चली हुई है, सही है, फर्स्ट ओनर है, डॉक्टर साहब के नाम पर है। जी जी सारे फीचर्स ऑन है, हाँ हाँ एसी में हर चीज़ वर्किंग में, चारों टायर न्यू है, 90% इंशाल्लाह। जी जी अच्छा कीमत
कीमत हम 11:15 डिमांड करें, 11 में दे देंगे फाइनल। अच्छा कुछ और डिस्काउंट नहीं हो रहा इस पे? नहीं सर फाइनल। अच्छा लोकेशन मोबाइल नंबर? क्रिफ्टन बोर्ड बेसन 03409753362। ठीक है मेरे भाई। तो व्यूअर्स मेहरान 2003 का मॉडल है भाई, 62,000 किलोमीटर चली हुई है और भाई फर्स्ट ओनर गाड़ी बता रहे हैं। अच्छा जी साइड इसकी टचअप है, बाकी गाड़ी ओरिजिनल है। तो भाई सिल्वर कलर में मिली है हमें जनाब। मेहरान चेक करते हुए चलते हैं कंडीशन। तो आ जाएँ छत की तरफ से ले लेते हैं स्टार्ट, छत चेक करें। भाई छत का लुक ओके लग रहा है बिल्कुल, ये देखें तो लाइनिंग वाइनिंग जो है वो भी ओके नज़र आ रही है मुझे। टायर बता रहे हैं अभी डलवाए हमने। तो भाई पिलर चेक करते हैं, पिलर का लुक फाइन, स्क्रीन फाइन, कोई ब्रेकेज वगैरह नहीं है, ओके लुक में गाड़ी है भाई। ये चेक करें बोनट बम्पर हेडलाइट फ्रंट जाली, तो कोई ब्रेकेज नज़र नहीं आ रही है गाड़ी अपने सामान पे। साफ सुथरे लुक में गाड़ी मिल रही है भाई, टायर तो इन्होंने बताया हमने नए डाले। अच्छा अब ये चेक करें भाई, तो फेंडर का लुक फाइन है, साइड है भाई ने टचअप बताइए, देखते हैं क्या साउंड है। साउंड तो इसका ओके यार, साउंड तो ओके दे रहा है। तो कम पॉलीकेट में यानी तैयार हुई है, बगैर पॉलीकेट के कहना चाहिए। अच्छा टायर तकरीबन भाई इन्होंने नए बताए तो 90% मुझे टायर नज़र आ रहे हैं, ये चेक करें भाई। अच्छा फुटबेरी ओके, पिलर का लुक फाइन, फ्रंट डोर बैक डोर सब चेक करते हुए चलते हैं। फ्रंट डोर बैक डोर ये देखिए यार, तो फेंडर वगैरह का लुक वो भी ओके। छत चेक करें यार, ये देखो ओरिजिनल लुक नज़र आ रहा है यहाँ से भाई यार, ज़बरदस्त छत का लुक फाइन। अच्छा बैक स्क्रीन लाइटें बम्पर खोल दें, डिग्गी भी खोल दें, वो कह रहे हैं डिग्गी भी दिखाएं, तो भाई डिग्गी भी चेक करें, ये देखें लाइनिंग वाइनिंग देखें सब ओके। यहाँ से जीरो मीटर पड़ा है, जॉइंट वॉइंट देखें, पंचेस देखें, तो ये देखें यार वाकई कंडीशन तो प्यारी है बड़ी। देखें यार मज़ा आ जाएगा डिग्गी देख के, सही है। ठीक है बेटा बंद कर दीजिए, तो ये लुक चल रहा है भाई सही है। तो भाई बैक लुक ये दे रही है, स्क्रीन वगैरह फाइन है, ब्रेकेज कोई नहीं है। साइड से चेक कर लेते हैं, साइड से क्या कह रही है कंडीशन गाड़ी की। तो ये चेक करें फेंडर वगैरह का लुक, तो फेंडर का लुक भी इसका फाइन है, ये देखें भाई। फुट बैरी चेक कर लेते हैं, ओके लुक है। अच्छा बैक डोर फ्रंट डोर सब देखते हैं, तो भाई बैक डोर फ्रंट डोर पिलर का लुक वो भी चेक कर लेते हैं, पिलर का लुक फाइन, ये देखें भाई। तो ये हो गया। अच्छा अंदर से गाड़ी की कंडीशन देखते हैं क्या कह रही है गाड़ी। खोल दिया है गेट, खोल दो बेटा, ये देखिए भाई डोरियाँ वोरियाँ चेक करें, तो डोरियाँ ओके। अच्छा ये हो गया भाई जनाब, हमारे दरवाज़े के पर्दे फाइन लुक में, तो अंदर से फुल्ली ओरिजिनल पंचेस नज़र आ रहे हैं, ये देखिए। अच्छा पिलर चेक करें। अच्छा अब हम बात कर रहे थे जनाब स्टेयरिंग व्हील की, डैशबोर्ड की, स्टेयरिंग व्हील डैशबोर्ड, तो भाई स्टेयरिंग व्हील डैशबोर्ड देखें, डैशबोर्ड का लुक फाइन। एसी वेसी की डिटेल ले ले भाई, एसी चल रहा है इसका? एसी वेसी सब बिल्कुल यानी बता रहे हैं कि चल रहा है इसका। मैटिंग देखें। अच्छा सीटें चेक करें, सीटें वीटें भी ओके भाई। डैशबोर्ड दोबारा दिखाऊं? ये देखें भाई डैशबोर्ड ही कह रहे हैं, दोबारा दिखाते हैं। अच्छा डोर पिलर छत, छत का लुक भी इसका ओके। पिछला डोर खोल लेते हैं, ये चेक करें भाई आप, पिछला डोर भी खुल गया। यहाँ की डोरियाँ वोरियाँ चेक करें, यहाँ के दरवाजे के पर्दे वगैरह तो ओके लुक में। पिलर आपको दिखाएं, ये देखें पंचेस देखें ओके लुक है। पिलर गोलाइए चेक करें भाई, गोले गोले सब ओके। मैटिंग इसकी सिम की है। अच्छा अब ये चेक करते हैं सीटों का लुक, सीटों का लुक फाइन है इसका। अच्छा बैक डोर फ्रंट डोर ये हो गया डैशबोर्ड का लुक। इंजन रूम की तरफ चलते हैं, तो भाई यहाँ से चेक करें डोरियों वोरियों की कंडीशन, तो डोरियों की कंडीशन फाइन है, ये देखिए भाई। तो जॉइंट वॉइंट कुछ इसके सिम के, इसके छोटा मोटा काम हुआ भाई जॉइंट वॉइंट में इसके, तो ये लुक है। अच्छा अब हम बात कर रहे थे यहाँ बैटरी की, बैटरी का लुक फाइन ओके कंडीशन में बैटरी है। फ्रंट पट्टी की बात कर लें तो फ्रंट पट्टी का लुक भी ओके, कॉशन स्लिप विलिप सब लगी हुई है। यहाँ से चेक करें डोरिया वगैरह माउंटेन के पंचेस वगैरह तो वो भी ओके। चेसेस देखें पहले आप। अच्छा बात करते हैं गाटरी की, गाटरी वगैरह बिल्कुल ओके लुक में इसकी भाई, नंबर टिकली वगैरह ये चेक करें, तो ये लुक चल रहा है। इंजन की क्वालिटी की बात करूँगा मैं भाई से फिलहाल, जब तक बोनट चेक करते हैं डोरियाँ चेक करते हैं ओके लुक में मिल लेते हैं भाई से। तो भाई सबसे पहले तो इनसे इनका आज का नाम पूछना है। अस्सलाम वालेकुम काशिफ भाई, क्या नाम है? मेरा नाम है तारू उस्ताद। तारू उस्ताद पिछले हफ्ते भी यही बोला था तुमने? नहीं पिछले ले अनवर मलंग। अनवर मलंग का जी। अच्छा अभी बताओ आज कौन सा मॉडल है? ये 2003 मॉडल है, 2-3 पीस टचअप है। सही है। फर्स्ट टचअप बताइए भाई जी। फर्स्ट ओनर है सही है, ओरिजिनल गाड़ी है सही है।
सब कुछ चलेगा, इंजन सब कुछ और फाइल माइल सब कुछ क्लियर है, कड़क चलेगा जी, सब कुछ क्लियर मिलेगा जी। इसका हम 6 लाख डिमांड कर रहे हैं, 5 SC फाइनल देंगे जी, 10,000 और कम कर देंगे, 570 में बिल्कुल फाइनल। 0342-20-41-191 क्लिफ्टन। वीवो सिविक 96 तो भाई बाहर से शावर्ड है, अंदर से ओरिजिनल है, तो बाकी फीचर्स के सारे ऑन है, तो भाई चलते हैं आगे की तरफ, देख लेते गाड़ी चेक कर लेते क्या कंडीशन गाड़ी की है, सब चेक करके बताते हैं आपको। तो अजय जी यहाँ से चेक करें भाई, छत की कंडीशन चेक करें, छत वत की शाइन देखें, पहले शाइन बड़ा प्यारा है गाड़ी का। अच्छा लाइनिंग वाइनिंग की बात करें, लाइनिंग की भी कंडीशन अच्छी है, पिलर चेक किए तो भाई पिलर वगैरह में भी किसी किस्म का कोई काम नज़र नहीं आ रहा। अच्छा जी बात करते हैं जनाब अब स्क्रीन की, स्क्रीन का लुक फाइन, कोई ब्रेकेज वगैरह नहीं है, फाइन लुक में स्क्रीन, बोनट बम्पर हेडलाइट फ्रंट जाली, तो गाड़ी अपने सामान पर शाइन वाइन प्यारा, लुक अच्छा है गाड़ी का, स्मार्ट लुक है गाड़ी का। अच्छा जी अब हम बात कर लेते हैं जनाब यहाँ से फेंडर की, फेंडर वगैरह का लुक भी इसका ओके नज़र आ रहा है। बात कर ली जाए टायर की, तो टायर इसके भाई तकरीबन 95% टायर, तो भाई व्हील कैप पे गाड़ी है। अच्छा जी अब हम बात कर रहे थे जनाब फुटबेरी की, फुटबेरी वगैरह का लुक भी इसका ओके, रेसिडी है मामला ओके, कंडीशन नज़र आ रही है मुझे। अच्छा अब हम चेक करते हैं जनाब फ्रंट डोर बैक डोर, तो भाई फ्रंट डोर बैक डोर चेक करते हुए चलते, फेंडर वेंडर की कंडीशन भी चेक करेंगे, बैक डोर तो भाई फेंडर वेंडर भी चेक करें, फेंडर वगैरह का लुक भी इसका ओके नज़र आ रहा है, तो ये फेंडर वगैरह का लुक है। अच्छा अब आपको बैक लुक दिखाते हैं गाड़ी का, तो भाई ये चेक करें आप, तो छत वत का लुक अच्छा है। अच्छा जी अब हम बात कर रहे थे जनाब, ये देखिए लाइट है, बम्पर वगैरह किसी किस्म की कोई ब्रेकेज नहीं है, मिसिंग नहीं है, तो आ जाएँ इस साइड से चेक करें, शाइन देखें गाड़ी का, मज़ा आ जाएगा गाड़ी का शाइन देखें। अच्छा अब हम इसके बाद बात कर रहे थे जनाब फेंडर की साइड से, फेंडर वगैरह का लुक भी इसका ओके, तो ये चल रहा है सिलसिला, बैक डोर वगैरह का लुक वो भी फाइन है, फुटबेरी चेक करें तो डोर खुला हुआ है, फुटबेरी वगैरह का लुक भी ओके है भाई इसका। अच्छा बात आ जाती है फ्रंट डोर की, तो भाई फ्रंट डोर की बात हो रही थी, फ्रंट डोर वगैरह का लुक आपको दिखा देते हैं, पिलर का लुक वो भी फाइन है, फेंडर वगैरह का लुक वो भी ओके चल रहा है भाई, तो ओके लुक में अंदर से चेक करते हैं गाड़ी क्या कह रही है, तो भाई ये चेक करें यहाँ से डोरियाँ वगैरह, डोरियाँ वगैरह ओके लुक में, अच्छा दरवाज़ों के पर्दे वगैरह तो वो भी तकरीबन ओके लुक में नज़र आ रहे हैं, पिलर चेक करें तो पंचेज वंचे सब आपको नज़र आ रहे होंगे ओके लुक में, पिलर भी इसका फाइन लुक में नज़र आ रहा है भाई। अच्छा अब बात आ जाती है जनाब स्टीयरिंग व्हील की, डैशबोर्ड की, तो स्टीयरिंग व्हील वगैरह का लुक भी इसका ओके नज़र आ रहा है मुझे, डैशबोर्ड की बात करें डैशबोर्ड फाइन लुक में भाई, AC वेसी चल रहा है, सिस्टम विस्टम सब, AC सिस्टम सब चल रहा है जी जी हाँ बिल्कुल सब चल रहा है भाई। अच्छा ये देखें भाई सीट देखें, सीट का लुक ओके, मैटिंग डोर प्लर छत छतवत भी फाइन लुक में इसकी नज़र आ रही है। अच्छा ये लुक चल रहा है भाई, पिछला डोर खोल लेते हैं इसका, तो भाई यहाँ से चेक करें डोरियाँ वोरियाँ, डोरियों का लुक फाइन है, अच्छा दरवाज़ों के पर्दे वगैरह फाइन लुक में, पिलर चेक करते हैं पिलर का लुक ओके भाई इसका, गोले वगैरह की कंडीशन वो भी ओके, मैटिंग चेक करें तो मैटिंग ओके। अच्छा बैक पोर्शन देखें भाई, स्पीकर वगैरह सब लगे हुए, स्पीकर है, सीटों का लुक फाइन है, ये देख लें। अच्छा बैक डोर फ्रंट डोर डैशबोर्ड वगैरह का लुक, तो डैशबोर्ड वगैरह का लुक भी ओके, चलते हैं इंजन रूम की तरफ, इंजन रूम से चेक करते हैं गाड़ी क्या कह रही है, तो भाई यहाँ से चेक करते हैं हम डोरियाँ वगैरह, डोरियों वगैरह की कंडीशन चेक करते हुए चलते हैं, तो ये देखें भाई यहाँ के पंचर देखें। अच्छा ड्राइव बैटरी लगी हुई है, अच्छा माउंटेन की बात करें तो माउंटेन में थोड़ा सा रस्ट आना शुरू हुआ भाई, ये लुक चल रहा है, पंचर इसके भी ओके यहाँ से देखें। अच्छा अब हम बात कर रहे हैं जनाब फ्रंट पट्टी की, फ्रंट पट्टी की कंडीशन भी इसकी ओके लुक में, क्वेश्चन स्लिप और ये जनाब ये चेक कर सकते हैं, टिकली विकली लगी हुई है साइड से, डोरियाँ चेक करें, यहाँ के पंचर्स चेक करें तो ओके लुक है, यहाँ की माउंटेन भी बिल्कुल ओके लुक में भाई, हर किस्म के पंचर वगैरह ओके लुक में नज़र आ रहे हैं इसके कंपनी के। अच्छा अब हम बात कर रहे थे जनाब नंबर वगैरह, तो इंजन की क्वालिटी की तो बात करूँगा भाई से, सिर्फ एक सर्विस चाहिए, लुक अच्छा है गाड़ी का। गाटरी की बात करें, गाटरी वगैरह में भी किसी किस्म का कोई रस नहीं है। अच्छा बोनट की बात कर लेते हैं, तो बोनट का लुक भी इसका फाइन है भाई, तो मिल लेते हैं इसी बात पे हम भाई से। तो व्यूअर्स गाड़ी को ना हमारे साथ मौजूद है इम्तियाज़ भाई, अस्सलाम वालेकुम इम्तियाज़ भाई, कैसे मिजाज आपके? इम्तियाज भाई क्या कह रही है हमारी सिविक, क्या सिविक भाई? 96 मॉडल है मेरी, माशाल्लाह से बहुत अच्छी फैमिली गाड़ी मेरी, फर्स्ट टाइम आया हूँ मार्केट में, बहुत इंजॉय कर रहा हूँ माशाल्लाह से, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत 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 माशाल्लाह बहुत बहुत। अच्छा तो इम्तियाज भाई गाड़ी कितना तक ओरिजिनल है, कितना तक टचअप है? ये तकरीबन 75% जो है टचअप है, बाकी बाकी ओरिजिनल। अच्छा अच्छा हर चीज़ क्लियर है जनाब, हर चीज़ जनाब। इसकी सर इसकी मैंने 8 लाख मांगे, लेकिन आप भाई के साथ चल रही है बात मेरी, भाई 7.5 में माने हुए,
लेकिन एक टैक्स का थोड़ा इशू हो रहा है कि मैं कह रहा हूँ कि चलो टैक्स आप भरो, वो कह रहे हैं मैं मिलजुल के कर लेंगे, मसला नहीं। अच्छा, टैक्स अगर वो भरेंगे तो कितने में आएगी और अगर आप भरेंगे? वो तो फिर हो जाएगा तकरीबन 65 तक। 65? जी हाँ, 65 में जाएगा। 7,65,000 रुपये। 7,65,000? जी हाँ जी हाँ जी हाँ। ठीक है मेरे भाई। अच्छा, लोकेशन क्या, हमारी मोबाइल नंबर क्या है? मोबाइल नंबर मेरा है 0300-2853-787। लोकेशन कहाँ की? लोकेशन क्लिफ्टन की है सर। सही है भाई, अल्लाह हाफिज़। ओके। तो वीवर्स, मीरा 1417 भाई एक्स मेमोरियल गाड़ी है। अच्छा भाई, अगर हम इसके ओरिजिनल होने की बात करें तो 50% ओरिजिनल, 50% टचअप। गाड़ी का शाइन बहुत प्यारा है भाई। करीब चल के चेक करते हैं क्या कह रही है गाड़ी। भाई तो नेवी ब्लू कलर में गाड़ी है, तो वही जो ब्लैक टाइप का शेड देती है ना, वही सिलसिला है। अच्छा, छत चेक करें तो छत का लुक ओके भाई। तो ये चेक करें लाइनिंग, प्लर, प्लर वगैरह की कंडीशन भी इसकी ओके चल रही है भाई। तो प्लर ओके। स्क्रीन की बात कर लेते हैं, कोई ब्रेकेज वगैरह स्क्रीन में नहीं है, फाइन कंडीशन में स्क्रीन है भाई। अब बात करते हैं जनाब हम बोनट, बम्पर, हेडलाइट, फ्रंट जाली, फॉग लाइट वगैरह भी इंस्टॉल है। ओके लुक में गाड़ी है, शाइन प्यार है। फेंडर चेक कर लें भाई, थोड़ा सा फेंडर टच करके देख लेते हैं। तो साउंड तो ओके दे रही है, ये साउंड सुने तो भाई ये भी ओके साउंड है। 50-50 भाई ने बताइए, 50% ओरिजिनल, 50% टचअप। टायर तकरीबन भाई इसके 90% टायर हैं, लॉयरिंग पे गाड़ी है। फुटबेरी चेक करें तो फिलहाल मुझे फुटबेरी में कहीं रस नहीं, नज़र नहीं आ रहा है भाई। तो बॉडी वाइज गाड़ी में कोई खास काम नहीं है, चलते हैं देखते हैं। यानी गाड़ी ऐसी है भाई, ले और चलाएँ, कोई काम कराने की ज़रूरत ही नहीं है। हल्के पुल्के स्क्रैचेज हैं तो वो सब आ ही जाते हैं। छत का लुक, बैक स्क्रीन, लाइटें, बम्पर तो कोई चीज़ मिसिंग नहीं है। लाइटें वाइटें हर चीज़ पूरी है इसकी, कोई ब्रेकेज नहीं है। यहाँ से चेक करें भाई फेंडर का लुक, ये चल रहा है इसका। डोर दिखाते हैं आपको, डोर का लुक, फ्रंट डोर खुला हुआ है भाई इसका, अंदर से भी दिखाऊंगा, पहले आप चेक करें बाहर से। ये चेक कर ले भाई, तो डोर वो रोके, ये देखो भाई फ्लोरिंग पे गाड़ी। टायर तो मेरे को बाइक के 90-95% है। अंदर से चेक कराता हूँ गाड़ी क्या कह रही है। ये देखिए भाई अपनी डोरियों पे गाड़ी, डोर पैनल वगैरह ओके लुक में, डोर पैनल वगैरह बिल्कुल भाई ओरिजिनल लुक। अंदर से गाड़ी फुल्ली ओरिजिनल। पिलर चेक करें पहले आप, पिलर का लुक फाइन, ये देख ले भाई। अच्छा, अब हम बात करते हैं ना स्टीयरिंग व्हील की, डैशबोर्ड की, स्टीयरिंग व्हील डैशबोर्ड। तो डैशबोर्ड का लुक देखे भाई, फीचर्स सारे ऑन है इसके? जी बिल्कुल, सारे फीचर ऑन है भाई, सारे फीचर्स ऑन है। ये देख ले भाई, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में गाड़ी है आपकी, ये चेक करें। अच्छा, सीटें वीटें चेक करें भाई, तो सीटों पर अभी तक पन्नी चढ़ी हुई है। डोर, पिलर, छत, छत का लुक भी फाइन है भाई, ये लुक चल रहा है। बैक डोर खोल लेते हैं भाई, ये चेक करें भाई, यहाँ से डोरियाँ वोरियाँ चेक करते चलते हैं। डोर पैनल वगैरह फाइन लुक में, डोर पैनल है यार बड़ी माशाल्लाह, नीट एंड क्लीन कंडीशन है अंदर से गाड़ी की। तो ये देख ले, साफ़ सुथरी रखी हुई है, ये सिलसिला अच्छा है भाई। ये देखें हेडरेस्ट वगैरह, सीट का लुक, तो भाई सीट पे अभी तक पन्नी चढ़ी हुई है, केयर की हुई है गाड़ी की इन्होंने। तो ये डैशबोर्ड वगैरह का मामला है, चलते इंजन रूम की तरफ, इंजन रूम से चेक करते हैं गाड़ी क्या कह रही है। तो भाई यहाँ से चेक करें आप डोरियों वगैरह की कंडीशन, तो डोरियों की कंडीशन ही चल रही है भाई। माउंटेन वगैरह का लुक, माउंटेन के जॉइंट वॉइंट तो भाई सब ओके की रिपोर्ट चल रही है। ये देखें भाई बैटरी फाइन लुक में, ड्राइव बैटरी लगी हुई है। फ्रंट पट्टी चेक कराता हूँ, तो भाई कॉशन स्लिप विलिप सब मौजूद है अभी तक फ्रंट पट्टी पे। इस साइड से देखें डोरिया, माउंटेन वगैरह, माउंटेन के जॉइंट तो भाई फाइन कंडीशन लग रही है, तो ओके कंडीशन है। चेसिस जहाँ तक नज़र आ रहा है वो भी देखें। इंजन की क्वालिटी की बात करेंगे हम भाई से, कितना परसेंट इंजन है। बोनट चेक करें यार, कंपनी की पैकिंग अभी तक लगी हुई है जगह जगह, सीले वीले। तो अपनी डोरियों पे गाड़ी, मिलते हैं भाई से। तो व्यूअर्स हमारे साथ मौजूद हैं फैसल रजा भाई, अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र। फैसल भाई क्या कह रही है हमारी मीरा? यार मीरा जो है 14 का मॉडल है और 17 की रजिस्टर्ड है, और गाड़ी बहुत ही आउट क्लास कंडीशन में, फैमिली यूज़ की गाड़ी है। मेजर माइनर कहीं से भी कोई एक्सीडेंट नहीं है, ना मेजर ना माइनर, कुछ भी नहीं। और तकरीबन 50% ओरिजिनल, 50% टचअप है, ठीक है ना। और गाड़ी की कंडीशन आपने ओवरऑल देख ली है कि कहीं से कोई गलसड़ नहीं रही, कहीं से कोई रस्ट नहीं है, कुछ नहीं है। इंजन इसका अपना है और 72,000 ओरिजिनल किलोमीटर इसकी जो है ना माइलेज है, और टायर गाड़ी के सही हैं, सस्पेंशन से गाड़ी बिल्कुल परफेक्ट है। और यार इंजन तकरीबन ये समझ लें कि हम 90-95% क्योंकि सस्पेंशन गाड़ी का बिल्कुल ओके। गाड़ी हमारे अपने नाम पर है, ठीक है ना। गाड़ी CPL से क्लियर है, टैक्स से क्लियर है। भाई कीमत क्या रखेंगे, क्या डिस्काउंट करेंगे? सर देखें, इसका डिमांड मैंने रखी हुई है 22.5 लाख रुपये, ठीक है ना। और डिस्काउंट में ये है कि कुछ देख लेंगे, जो आएगा जब परचेजर कुछ, तो वह इंशाल्लाह ताला अपने हिसाब से 20-25,000 रुपये की, 50,000 रुपये तक की लचक इसमें है, तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाह जो होगा वो ऑन द स्पॉट कर लेंगे। बाकी टैक्स से, डॉक्यूमेंट से, CPLC से क्लियर है। और गाड़ी में काम कोई नहीं किसी भी किस्म का, एक्सीडेंट कहीं से भी नहीं, किसी भी जगह से इसकी गारंटी है, लें और चलाएँ। नंबर
9315825335. थैंक यू सो मच।